हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को चैत्र के नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। प्यारे भोले बाबा, प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओके, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा, ब्यूटिफुल, किस तरीके से आएगा। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ब्यूटिफुल एनर्जीज। लेकिन इसके साथ ही साथ ना हमारे पास यहाँ पर है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, यहाँ पर आपको साथ ही साथ मैसेज भी दिया जा रहा है, गाइडेंस भी दी जा रही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कार्ड्स लेना चाहेंगे और देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज बताइए अप्रैल मंथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। मून, द मून फाइव ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है। अच्छा जी, थैंक यू भोले बाबा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, ब्यूटिफुल। वाओ, जो मुझे दिख रहा था ना, हालांकि ये कितने चैलेंजिंग कार्ड्स आए हैं ना आपके लिए, लेकिन चैलेंजिंग कार्ड्स होने के बावजूद इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ओके, जस्टिस, ओहो पावरफुल, क्या बात है स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है स्कॉर्पियो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी आपको, लक आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, किस्मत आपका साथ दे रही है यहाँ पर। जितना ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़ोगे, डिवाइन पर विश्वास रखोगे, इस महीने सक्सेस आपको मिलेगी फॉर श्योर। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर देख रहे हो सन का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए माय डियर स्कॉर्पियो, ये मंथ जितना ब्यूटीफुल रहने वाला है ना, मैं कहूँगी चैलेंजिंग भी उतना ही रहेगा। ठीक है, चैलेंजेस भी आप उतने ही फेस करने वाले हो जितने आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर विन विन आउटकम है, यहाँ पे प्रॉस्पैरिटी है, ठीक है आपको। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है कि स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, ये वक्त है। ठीक है, ये कम्फर्टेबल होने का वक्त नहीं है कि बैठ गए आराम से और फ्रूट्स के मज़े ले रहे हैं हम, नहीं। यहाँ पर क्या है कि आपकी लाइफ में वो सक्सेस मिल रही है आपको, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये क्या बता रहा है? ठीक है, चैलेंजेस भी हैं, ऑब्स्टेकल्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। करियर हो या जो भी हो आपकी लाइफ में, ओवरऑल मैं बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं एरियाज़ के हिसाब से नहीं कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में फिट कर सकते हैं सिचुएशन को। लेकिन आपको सफलता मिलेगी, आप इन सिचुएशन से बाहर निकल आ पाओगे। ठीक है, आपको वो विजय डेफिनेटली मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, अगर आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हो, ठीक है, और डिवाइन पर ट्रस्ट रखते हो, अगर आप शॉर्टकट नहीं अपनाते हो, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी किसी गलत राह पर अगर आप नहीं चलते हो, तो आप यहाँ पर ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, इन चैलेंजेस को आप इजीली सरपास कर पाओगे। एक बात यहाँ पर है, मून की एनर्जी है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे ऑनेस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं विद द मून का, ठीक है। कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं, कुछ लोग आपको इस समय चीट कर सकते हैं, कुछ लोग आपके पीछे पेट पीछे साजिशें कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग कहने वाले हैं कितनी नेगेटिव रीडिंग कर रहे हो, लेकिन माय डियर यहाँ पे जो कार्ड्स आएंगे अभी मैं उनको तो ट्रांसम्यूट नहीं कर दूंगी ना, मैं तो एग्जैक्ट वही एनर्जीज बताऊंगी, लेकिन ये एनर्जीज बहुत पावरफुल आ रही हैं। आपकी एनर्जीज जो आ रही है, आपके अराउंड लोगों को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको तो कर सकते हैं ना। आपकी एनर्जीज क्या है मैं तो वो बताऊंगी अभी। यहाँ पर जो मून की एनर्जी बता रही है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आप ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा सैड हो सकते हो, ठीक है। बेसिकली सैड क्यों हो सकते हो, क्योंकि आपको लोगों की सच्चाई के बारे में पता चल रहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना वो कैसे हैं, उनके उनके मुखौटे उतर रहे हैं, ठीक है। वो आपके फेस टू फेस, मैं कहूँगी, सामने आ रहे हैं कि आपने जो एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी ऐसे लोगों से, वो आपके सामने आ जाएंगे और आप थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हो उस मोमेंट पर, लेकिन बहुत ही जल्दी आप रिकवर कर जाओगे, ठीक है। आप क्योंकि विद दिस सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ठीक है। तो आप बहुत ही जल्दी ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे और उन्हें हाथ जोड़ करके किनारे कर दोगे कि मुझे ऐसे लोगों की ऊर्जा चाहिए ही नहीं मेरे लाइफ में। जब आप रियलाइज़ करोगे ना कि ओके ये चीज़ें अच्छा हुआ मेरे सामने आई, अगर नहीं सामने आती तो रॉन्ग होता, अभी तक मैं अपनी लाइफ में धोखा ही खाता रहता या खाती रहती, ठीक है। तो बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने अपने फेसेस दिखा दिए मेरे सामने। तो ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आएंगे जो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन विजय आपको मिलेगी विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, लेकिन ये मुझे न्यू बिगनिंग से ज़्यादा आपकी विजय के बारे में बता रहा है। लेकिन आपको ये जो भी चैलेंजेस हैं, ये जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इनसे डरना नहीं है, ठीक है। इनमें कड़ी मेहनत करनी है, पूरी अपना 100 नहीं, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, 1000% देना है अपना, ठीक है। 100% नहीं, अपना 1000% दो, जी जान से मेहनत करो, अपना 1000% दो और ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़ो, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, किसी को चीट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ड्स है और जस्टिस की ऊर्जा है। जो लोग भी आपसे चीट कर रहे हैं, जो लोग भी आपको धोखा दे रहे हैं, जो लोग भी आपके पीठ पीछे साजिशें कर रहे हैं इस महीने, उन लोगों के आप के साथ, मैं कहूँगी उन लोगों के साथ कहीं आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। उनको उनके कर्मा का फल मिलेगा, ठीक है, उसी वक्त पे। और अगर आप लकी हुए तो आपको पता भी चलेगा, ठीक है। तो 50-50 चांसेस हैं पता चलने के भी, ठीक है, क्योंकि उनको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर 50-50 चांसेस इसलिए बोल रही हूँ, कुछ लोगों को ना, ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ कि
आपको फेस टू फेस पता चल सकता है, जैसे कि इंट्यूटिवली पता चलना, या फिर कोई ना कोई माध्यम बनना जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि जिसने आपके साथ धोखा करा, जिसने आपको चीट करा, जिसने आपके साथ बुरा करा, उसके साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। जिसने आपके साथ बुरा करा उसको मिलेगा भी, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको ऑनेस्ट वे में आगे बढ़ना है, आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है। और जो लोग यहाँ पर बुरे का रास्ता अपनाएंगे फिर वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लास्ट में आपको क्या बोल रही है कि आप, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी आपके लिए ट्रेवल स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड है हमारे पास, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ट्रैवल के दो कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, मे बी आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ सिटी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है परमानेंट ट्रांसफ़र हो, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ट्रांसफ़र माने आपके करियर वाइज ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप शिफ्टिंग कर सकते हो, परमानेंट शिफ्टिंग हो सकती है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो भी चेंजेस, ये जो भी शिफ्ट्स हो रहे हैं ये आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, और ये बहुत ही क्विक होंगे, राइट। जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग, जब लोगों को, आपको अपने ही आसपास रहते हुए लोगों की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो आप उनसे डिस्कनेक्ट होंगे, तो ये इससे भी कनेक्टेड हो सकती है, ये ट्रांसफ़र होना, ठीक है, ये शिफ्ट होना। तो आप लोग ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, तो यहाँ पे शिफ्टिंग आपके लिए स्पेसिफिक हो सकती है, और ये एकदम से होगी, एकदम से लिया हुआ डिसीजन होगा, और ये आपको बोला जा रहा है ये आप ही की बेहतरी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, ठीक है, और बेसिकली आप स्थिरता की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर आप अकेले नहीं हो, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक्चुअल में वो स्टार्टिंग से आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको बचा रहे हैं, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। अच्छा, एक है चैलेंज के लिए, चैलेंज के लिए ना आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या बताता है, ये महीना चैलेंजिंग, फोर ऑफ वॉन्ड्स में ये बता रहा है कि हो सकता है आप लोगों को ना इस महीने, बहुत बिजी मंथ रहने वाला है स्कॉर्पियो आप लोगों का, तो आप लोगों को फुर्सत का टाइम नहीं मिल सकता है। मे बी ऐसे ना आप लोगों के अराउंड जो आपके घर वाले हैं, या फिर खास कर मैं बोलूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, वो आपको बोलें, ऐसे कंप्लेंट्स आपको दें कि भाई क्या बात है, तुम तो समय ही नहीं देते हो, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है, बात भी नहीं करते हो। तो कहने का मतलब टाइम का थोड़ा मैनेज नहीं हो पाना, या समय की कमी होना, ठीक है, क्योंकि ये मंथ बहुत बिजी रहने वाला है मन स्थिति से भी और फिजिकली भी, ठीक है। फिजिकली भी बहुत आप चीज़ों को देख रहे हो, हैंडल कर रहे हो, और दिमागी तौर पर भी आप बहुत चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, राइट। तो बैलेंस बना करके आपको आगे चलना है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, ये आपके लिए ना स्ट्रेंथ का कार्ड आई है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगी माय डियर स्कॉर्पियो, ये काम आपको ज़रूर से करना है, ये ना आपकी स्ट्रेंथ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल ऑलवेज इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, ठीक है, कि आप जो भी काम कर रहे हो वो इक्वल गिव एंड टेक बना के रखना इस धरती पर। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको इस महीने जितना हो सके, जिस तरीके से हो सके, आप दूसरों की मदद कर पाएँ वो कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे आपके कर्मा का, आपके कर्मा रिलीज होंगे जो नेगेटिव कर्मास हैं, ठीक है, और आपको आगे ग्रो करने में पॉजिटिवली बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। ये स्पेसिफिकली मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से हो सकता है, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो मनी वाइज किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से मदद कीजिए। अगर आप किसी को किसी की प्रॉब्लम में, अगर आप किसी को बहुत अच्छी राय दे देते हैं, कुछ अच्छे से गाइडेंस दे देते हैं, वो उसके लिए मदद हो जाती है, या फिर अगर आप कोई पर्सन सैड है, अगर आप उसको हंसा भी देते हैं तो वो भी, कहने का मतलब इस इच्छा से नहीं कि मैं आज कर रहा हूँ तो कल को मेरे लिए ये एक अच्छे कर्मा में ऐड हो रहा है, एक अंदर से ऑनेस्ट वे में, ठीक है, कि मुझे
मैं इस धरती पर हूँ, मुझे अपना पार्टिसिपेशन देना है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से किसी के लिए इंसानियत के नाते मैं किसी के लिए भी जो कुछ कर सकता हूँ अपनी तरफ से, जो एफर्ट्स जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं वो करूँगा या करूँगी, ठीक है। और ऑनेस्ट वे में, ये डिमांडिंग नहीं होनी चाहिए या ये इंटेंशंस नहीं होनी चाहिए कि कल को मुझे यहाँ से मिलने वाला है या मुझे प्रकृति की तरफ से मिलेगा या डिवाइन इस चीज़ को नोट करेंगे और मुझे मेरे साथ अच्छा होगा, ऐसी चीज़ें नहीं सोच में लानी, अदरवाइज फिर वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, देखिए किस्मत आपके साथ है, मैं कहूँगी लोगों की सच्चाई आपके सामने आना, ठीक है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना, चैलेंजेस को सरपास करना, विजय मिलना, एक न्यू स्टार्ट होना, ये सभी चीज़ें। और जो आप लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनको उनके कर्मा का फल मिलना, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ों में ना अपने अंदर प्राइड को लेकर के मत आइएगा, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगी। आपको पोलाइट वे में आगे बढ़ना है, ठीक है, ना किसी के लिए, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो बुरा भी नहीं सोचना है, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो डिवाइन पर छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके करने से कुछ होगा नहीं, उल्टा आपका ही बुरा होगा। आप तो कुछ किसी का बुरा कर नहीं पाओगे सोच करके, लेकिन आपका बुरा भले ही हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अपना बुरा करने से अच्छा है कि कुछ सोचो ही मत बुरा किसी के लिए, अगर भला नहीं सोच सकते तो, ठीक है, ऑनेस्ट वे में आगे बढ़िए एंड स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। ये कुछ ना मुझे शिफ्टिंग को लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के या फिर मूवमेंट्स को लेकर के लग रहा है, स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, कि कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई है आपको अपनी लाइफ में इस महीने डिसीजन बनाना है, कोई ना कोई एक एक्शन लेना है जो आपको आपके कम्फर्ट जोन से चेंज आ रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ शिफ्ट है, कुछ ना कुछ चेंज है जो आपको लेना है, ठीक है। तो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आइए, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। आपको बोला जा रहा है अब ग्रोथ की तरफ, एक रीबर्थ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी होगा आपको उसके रिजल्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेंगे, ठीक है, प्रॉस्पैरिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तो घबराना नहीं है, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आइए, ठीक है। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहेगा जब हम कम्फर्ट जोन को अपने छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सन की भी ऊर्जा है, तो इसे याद रखिएगा, ये कार्ड मैं बीच में रखना चाहूँगी, ठीक है, इसे याद रखिए, ये रिबर्थ की एनर्जीज है, ओके। हाँ, और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी क्या है, एनर्जीज आ रही हैं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं ना कि नेगेटिव रीडिंग है, सी इसे पढ़ लीजिए आप, लुक एट द बिगर पिक्चर। सी मैं आपको बोल रही थी ना, ये नीचे ही कार्ड है कि लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स का ना स्क्रीनशॉट ले लो, ये अप्रैल मंथ के लिए काम आएगा, अगर कभी भी डाउट आए ना इस इन दोनों कार्ड्स को ना पढ़ लेना बार बार कि क्या बोला है, कि हमें एक बड़े नज़रिए से चीज़ों को देखना है, आगे के बारे में सोचो, उस समय जो चल रहा है उन चैलेंजेस में फंस मत जाओ, नेगेटिव मत हो जाओ। ये सन का कार्ड देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, रिबर्थ हो रहा है आपका और लक इज़ ऑन योर साइड माई डियर। अगर गोल पर स्टिक रहोगे अपने कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। प्लीज़ और बताइए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को अप्रैल मंथ के लिए और क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू भोले बाबा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अप्रैल मंथ, चूज वाइजली, ये मैं एडिशनल लूँगी, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, इसी ये चीज़ चैलेंज में आ रही है ना आपके, तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी इतने हैवी एक एनर्जी से आप गुजर रहे हो ना, इतना कुछ आप चीज़ें फेस कर रहे हो इस महीने, तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट भी दो, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका माइंड बॉडी स्पिरिट जो है वो बैलेंस हो पाए, नेचर से कनेक्ट हो, ताकि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, ये जो भी चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, नेगेटिव एनर्जीज़ को, उन्हें रिलीज़ कर पाओ, आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस हो पाए, ठीक है। वक्त दो थोड़ा सा अपने आप को, दी वेटिंग गेम, ओके, इसीलिए ये कार्ड भी आया है, ठीक है। तो मे भी यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, जो मैंने बोला है कि आपको अपनी तरफ से मेजर डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, कि अभी कुछ वक्त से आप किसी एक डिसीजन को लेने से रुक रहे हो, ठीक है, या किसी चीज़ की आप वेट कर रहे हो, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए डिसीजन हो सकता है,
या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आपको बोला जा रहा है चूज़ वाइजली, तो ये वक्त है वो डिसीज़न बनाने का, ये वक्त अब अपने डिसीजंस को ना आगे खिसकाने का नहीं है, ठीक है, कि देखेंगे या फिर अभी नहीं, अभी वो वक्त आ गया है, आपको बोला जा रहा है कि अब वो डिसीजन लो, अब वो डिसीजन बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये जो भी आपने अपना कंफर्ट जोन बना रखा है ना, ये जिस भी एनर्जीज में आप अभी हो, इसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है, अब ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगेन पैशन इग्नाइट, एक न्यू स्टार्ट है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपके अंदर ना आपके अंदर की जो फायर है, आपके अंदर की जो फायर एनर्जीज हैं, उससे कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है माय डियर, ठीक है। ये आप पे डिपेंड रहेगा कि इन चैलेंजेस से आप थक रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, या फिर आप अपने अंदर के पैशन से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने अंदर की फायर से कनेक्ट हो रहे हो कि नहीं। एक होता है ना कि मेरे में वो जज्बा है, मुझे तो आगे बढ़ना है, वो चैरियट की ऊर्जा, चाहे कोई भी चैलेंज आ जाए मैं उसे सरपास कर लूँगा, मुझे कोई चीज़ रोक नहीं सकती है, दैट काइंड ऑफ एनर्जीज। वो उस एनर्जीज में या तो आप आते हो या फिर हार जाते हो, ये आप पे डिपेंडेंट रहेगा। और जैसा आप रिएक्ट करोगे, जैसा आप थॉट पैटर्न लाओगे, जैसे आप ऊर्जा लाओगे, वैसे ही रिजल्ट्स भी आपको फिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिस की एनर्जीज हैं, हैप्पी एंड सैड दोनों एनर्जीज हैं, तो जैसा आपका वर्क होगा, जैसे आपके कर्मास होंगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा इस महीने, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ओके, थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। और क्या सुनने की जानने की ज़रूरत है अप्रैल मंथ के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को? थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अप्रैल मंथ, थैंक यू भोले बाबा। नथिंगनेस, देखिए ब्लैंक कर दीजिए अपने माइंड को, ठीक है, शून्य में जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ना कहने का मतलब, दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है ना, दिमाग में जो बहुत चीज़ें चल रही हैं, मन को शांत करना, शून्यता में जाना, एक मैं कहूँगी अगर इस कार्ड के लिए और ये जो आपकी एनर्जीज आई है ना, इनके लिए अगर मैं बोलूँ तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, ठीक है। मेडिटेट करना ताकि आपका मन शांत हो पाए, ताकि आपका माइंड बैलेंस हो पाए, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है और पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी फोकस कीजिए, आपके माइंड में चल गया रहा है, ठीक है, इस पर ये फोकस पॉइंट है आपका। कहने का मतलब कि माइंड में अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है कि आप इस समय माइंड में सोच क्या रहे हो, क्योंकि जैसा माइंडसेट आपका होगा, जितना स्ट्रेसफुल आप रहोगे, वैसी ही ऊर्जा आपकी रहेगी और वैसे ही कर्माज आप करोगे। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने माइंड को शांत रखिए, ठीक है, ज़्यादा दिमागी तौर पर सोच करके नहीं चलना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मन को शांत कीजिए, अपनी इनर लाइट से, इनर वॉइस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस ले पाएँ, राइट चॉइसेस बना पाएँ, ठीक है। ट्रस्ट, यस, आगे बढ़ो, एक छलांग लगा दो, वो डिसीजन ले लो, वो एक्शन ले लो, ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, बढ़ जाओ आगे, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वो ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपनी इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो माय डियर, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपके सेंसेस के द्वारा, तो उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए उन एनर्जीज पर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लास्ट कार्ड ले लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले बाबा थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो के लिए। और क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आप अप्रैल मंथ के लिए स्कॉर्पियोज का? मैनिफेस्टेशन, तो यस, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर, मैनिफेस्टेशन स्टेप वन। तो येस, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये जो खिचड़ी पक रही है ना आपके माइंड में, और ये जो नथिंगनेस का भी जो कार्ड है जो मैं बोल रही हूँ, कि अपने माइंड को क्लियर करो और अवेयरनेस में आ जाओ कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ गया आपके लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड, कि जो भी आप सोचोगे ना वही मैनिफेस्ट करोगे, उसी एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, उन चीज़ों को आप, आपके लिए ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ों को आप, करियर है, सक्सेस है,
मनी है, लव है, कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो एक लाइन में शॉर्टकट में लिख करके प्रेजेंट टेंस में कि वो चीज़ आपके पास है एक पेपर में लिखना है। लाइंस वाले पेपर नहीं लेना है, जो प्लेन पेपर होता है ना वो लेना है, उस पर लिखिए ब्लू पेन से ही, और उसे फोल्ड करके, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोल्ड मत कीजिए, उसे फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख कर डेली सोइए, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं डेफिनेटली पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए आपका माइंड भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फोकस कीजिए इस पर, ठीक है, अवेयरनेस में रहिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, इंसाइट्स मिले हो। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।